देखिए ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को आप बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो UP MP में आज हीटवेव का अलर्ट, तापमान 42 डिग्री पहुंचा, बिहार समेत 10 राज्यों में उमस। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक MP, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में आज हीटवेव चलेगी, वहीं पश्चिमी बंगाल में भी सीवियर हीटवेव की चेतावनी दी गई है। इन चारों राज्यों में तापमान 42 डिग्री पार पहुंच चुका है। इधर बिहार, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में उमस भरी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि MP, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों में तापमान 42 डिग्री पहुंच जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश का अनुमान जरूर जताया गया, लेकिन इससे गर्मी का असर जो है वो कम नहीं होगा। वही गर्मी को देखते हुए ओडिशा में जो है 25 तारीख से स्कूलों की छुट्टियां जो है वो कर दी गई है, यानी गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी यहाँ पर सभी स्कूलों में 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। वही देश में गर्मी का असर के बावजूद जो है 21 राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें MP, छत्तीसगढ़ के अलावा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश शामिल है। तो मौसम को लेकर ये लगातार बदलाव जो है उसकी स्थिति देखने को भी मिल रही है। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों के लिए चेतावनी जो है वो जारी की है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज MP के मौसम की। तो MP के 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, 3 दिन तक पानी गिरने के हैं आसार। पश्चिम विक्षोभ की वजह से और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से जो है बने स्टोन सिस्टम के असर से MP में जो है बारिश होने के आसार है। वही कल जो है भोपाल के अलावा सीहोर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वही पिछले 4 दिन से प्रदेश के अंदर कई जिलों में बारिश हो रही है, जो अगले 3 दिन यानी 25 तारीख तक जो है अगले 2 दिन तक जो है ये देखने को मिलेगी। 26 तारीख से कोर सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से MP में कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। इन्हें हल्का मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी जो है वो निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो आज हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं, तापमान जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो है कल रायपुर, बिलासपुर, बिस्तर और इसके अलावा बस्तर और नारायणपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। बिलासपुर में 29 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, एक दिन में टेम्परेचर 12 डिग्री गिरा। वही बारिश होने से कई शहरों में तापमान में गिरावट आई है। झारखंड के मौसम की बात करें, तो झारखंड में जो है हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, बारिश को लेकर अनुमान भी जताया गया है, तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। दरअसल झारखंड के कई हिस्सों में जो है आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में सुबह से हल्के बादल छाने लगे हैं। मौसम में इस बदलाव को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में जो है आज मेघ गर्जन और तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं। ये झारखंड के मौसम को लेकर फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बिहार के मौसम की बात करें, तो बिहार में आज सामान्य रहेगा मौसम, 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सिवान रहा है सबसे गर्म। बिहार में जो है कल हीटवेव और लू जैसी स्थिति नहीं रही, अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली, इस वजह से लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली है। वहीं कल सबसे अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा सिवान में 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और पटना में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी पारा जो है बीते कल के मुकाबले जो है 2 डिग्री ये कम है, परसों के मुकाबले जो है ये 2 डिग्री जो है वो कम बताया जा रहा है। दिल्ली के मौसम की बात करें, तो दिल्ली में अब 40 डिग्री पार तापमान पहुंचने के आसार जताए गए। तेज हवाओं का अलर्ट जो है वो फिलहाल दिल्ली में भी जो है वो तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बात यह है कि राजधानी में गर्मी तेज होने लगी है, कल हल्की बारिश होने के बावजूद भी गर्मी से राहत नहीं मिली, तापमान जो है 40 डिग्री पार पहुंच सकता है, इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में जो है सुबह से तेज धूप फिलहाल निकल रही है, जिसकी वजह से तेज गर्मी का एहसास होने लगा। हालांकि उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही तेज हवाओं से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते पहली बार इस हफ्ते तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है।
तो दिल्ली के अंदर मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान के मौसम को लेकर फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि राजस्थान के कई इलाकों में मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है, मौसम जो है शुष्क रहेगा। वहीं प्रदेश के कई जिलों में जो है हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। राजस्थान में जो है 9 जिलों में जो है मौसम बदलने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। इसको लेकर जो है चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि कौन कौन से इलाकों में जो है मौसम बदलेगा, कौन कौन से इलाकों में जो है बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो ये मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी में 9 जिलों में जो है ये चेतावनी राजस्थान में जारी की गई है। 9 जिलों में मौसम बदल सकता है और हल्की बारिश वगैरह जो है होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। तो ये राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जो है फिलहाल निकल के सामने आ रहा है कि राजस्थान में आगामी दिनों में जो है तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो जारी रहेगी। तो राजस्थान में जो है फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति जारी है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। महाराष्ट्र राज्य के मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र में कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जो है हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। देश के अन्य राज्यों के हिसाब से महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली कड़कने की संभावना बनी हुई है। आज राज्य के ज्यादातर इलाकों में तूफानी हवा गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना जो है आपको जो यहाँ पर रोजाना मौसम समाचार जो है आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो मौसम समाचार की जानकारी जो है वो रोजाना आपको मिलती रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।